आचार संहिता में फंसेगी एनटीटी भर्ती, शिक्षा विभाग को भेजे पत्र का अभी तक नहीं आया जवाब। एनटीटी भर्ती प्रक्रिया में नया ट्विस्ट आ गया है। इस भर्ती के चुनाव आचार संहिता में अटक जाने का खतरा है। दरअसल शिक्षा विभाग ने आउटसोर्स के जरिए भरे जाने वाले 4,887 पदों के लिए हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को काम दिया था, लेकिन कॉरपोरेशन ने वापस शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर पूछा है कि किन संस्थानों के एनटीटी डिप्लोमा इस भर्ती के लिए मान्य माने जाएंगे। अब इस चीज का जवाब वापस नहीं मिला है, इस कारण इस भर्ती को लेकर विज्ञापन भी जारी नहीं किया जा सका है। इसलिए यह अंदेशा है कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले यह भर्ती विज्ञापन जारी होगा भी कि नहीं। यदि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो यह प्रक्रिया चुनाव के बीच शुरू नहीं की जा सकेगी। कॉरपोरेशन अपने पैनल 14 एजेंसियों के जरिए मैनपावर उपलब्ध करवाता है और इन्हीं एजेंसियों को एनटीटी भर्ती के लिए भी लगाया जाएगा। यानी रोजगार कार्यालयों में पहले से पंजीकृत एनटीटी डिप्लोमा धारकों के नाम नहीं लिए जाएंगे, लेकिन एनटीटी के डिप्लोमा में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत से स्थान उस वक्त बिना एफिलिएशन के चल रहे थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद ही आया होगा। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। मिलते हैं अगली बिग अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।